दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि घर बैठे बैठे आप जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र किसी भी उम्र का कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको जो है यहाँ पे लगेंगे, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर पसंद है ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ऑलरेडी एक वीडियो हमने पहले भी इसके रिगार्डिंग अपलोड कर रखा है, लेकिन आप लोगों के कमेंट आने की वजह से हम जो है आप लोगों के लिए नया वीडियो बना के लेके आ रहे हैं, जिसमें हमारा स्पेशली फोकस होगा वो बिहार स्टेट के लिए होगा। बाकी स्टेट के लिए कैंडिडेट अगर हैं तो हमारे पास, तो वो हमें कमेंट करें, जितने नंबर ऑफ़ कमेंट होंगे हम उनके लिए वर्क करेंगे और उनके लिए नया वीडियो बनाएंगे। सो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको रिक्वायरमेंट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है, जैसे कि बात की जाए दोस्तों, मान लीजिए आप जिस बच्चे या बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं और उसका जो जन्म हुआ है वो 21 दिन के अंदर आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो उसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, अगर वो जन्म जो है हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए घर पर हुआ है तो वार्ड काउंसलर और आंगनबाड़ी सेविका का जो रिकमेंडेशन लेटर होता है या फिर आइडेंटिटी प्रूफ होता है और एड्रेस प्रूफ के तहत जो है आपका डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। मान लीजिए दोस्तों आप 22वें और 30 दिन के बीच में जो है इनका बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको नोटिफाइड एफिडेविट और हॉस्पिटल सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है। इसी तरह दोस्तों अगर घर पर जन्म हुआ है तो यहाँ पे वार्ड काउंसलर का और आंगनवाड़ी सेविका का जो है रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए होगा और आपको जो है एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। इसी तरह दोस्तों मान लीजिए आप जो है 1 साल के अंदर जन्म हुआ है और उसके पहले जो है बनवाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर कॉपी इशूड बाय द बीडीओ एंड सब डिविज़नल ऑफिसर का एफिडेविट आपको जो है रिक्वायरमेंट होगा अगर हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ है। अगर मान लीजिए दोस्तों आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप गाँव में घर पर पैदा हुए हैं तब जो है यहाँ पर एफिडेविट रिक्वायरमेंट होगा, या फिर ऑर्डर कॉपी जो बीडीओ की तरफ से इशू किया जाता है वो आपको यहाँ पर एज ए डॉक्यूमेंट लगेगा। इसी तरह दोस्तों बाकी के लिए भी सेम रखा गया है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि कैसे जो है आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल को जो है खोल लेना है, वहाँ पे टाइप करना है ई म्यूनिसिपलिटी बिहार। देखिए दोस्तों जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्या शो हो गया, कुछ इस प्रकार का नया प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। तो देन दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको जो यहाँ पे दिखेगा बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है दोस्तों, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये जो है यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो इसको जो है यहाँ पे आपको देखना है और करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा उसको जो है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, आपका जो है एक नया प्लेटफॉर्म खुल के आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आपको पहले जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है यहाँ पे एक बार रजिस्टर मी पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्टर मी में जाएंगे तो आपको जो है क्या खुल के आएगा, आपको जो है पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर के लिए देखिए आपको करना क्या है, तो दोस्तों रजिस्टर मी को जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे तो देखिए एक नया प्लेटफॉर्म खुल के आया है, जहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी गई है, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम पूछा गया है, मिडिल नेम पूछा गया है, जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपको फ़िलअप कर देना है, जैसे नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये रजिस्ट्रेशन जो है आपका स्वयं हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इसको रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको करना क्या है, तो सबमिट का बटन आएगा, तो इसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड जो है आपको मोबाइल नंबर में पूछा जाएगा, तो आपको जो है अपना मोबाइल नंबर और जो उस मोबाइल जो नंबर आप मोबाइल दिए हैं उसमें जो एक OTP आएगा, वो OTP जो है आपको यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड में जो है फिल करना है। इसको दोस्तों फिलअप करने के बाद जो है सबमिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है, उसको जो है आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको सबमिट का जो बटन है इसको क्लिक करोगे तो देखिए नया प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको पासवर्ड जो है सेट करने के लिए दिया जाएगा। तो आप जो है अपने मन से कोई भी पासवर्ड जो है सेट कर सकते हैं और सेट करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। देन दोस्तों आप जो है इस वेबसाइट पर रजिस्टर हो चुके हैं, अब क्या है
कि आपको जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे जो अभी सिटीजन लॉगिन पे आप गए थे वहाँ पे जो है आपको यूज़र आईडी और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको पासवर्ड और यूज़र आईडी डालते हो यहाँ पे, तो देखिए इसके बाद यहाँ पे कैप्सका है, तो कैप्सका को डालने के बाद आपको सबमिट करना है। तो देखिए सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट का पूरा सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे खुल गया है। तो देखिए आपके ने पहले इसमें रजिस्टर किया, अब बर्थ सर्टिफिकेट पूरा खुल गया है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे बर्थ, यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे पूरा एक फॉर्म खुल के आ गया है जहाँ पे आपको जिसका डेटा मतलब जिसका आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है उसका आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लिखना है। इसके बाद जेंडर लिखना है, बच्चे का वेट लिखना है, जो बच्चा जहाँ पे भी पैदा हुआ जितना वेट है, देन यहाँ पे बच्चे का नाम क्या उसका नाम रखा गया है, सारी जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ध्यान रखिएगा, जिसमें स्टार बना है उसको मैंडेटरी ज़रूर फिल करना है, बाकी ऑप्शन आप छोड़ सकते हैं। बहुत से ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें स्टार बना होगा उसको आपको ज़रूर फिलअप करना है। तो वो फिलअप करने के बाद दोस्तों आप जैसे यहाँ पे नीचे जाओगे तो और भी जितनी इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, जैसे बर्थ प्लेस क्या है और नाम क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पूछी जाएगी, तो सब आपको जो है यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद जो है आपको एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा, परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है पूछा जाएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे पेरेंट्स के बारे में पूरा डिटेल भरना है, पेरेंट्स के एजुकेशन ऑक्यूपेशन जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछी गई है इस फॉर्म में आपको वहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है, नीचे जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या शो करेगा देखते हैं। मदर एड्रेस भी यहाँ पे शो करेगा, वो भी आपको फ़िलअप करना है। इसके बाद एप्लीकेंट डिटेल जो है यहाँ पे आपको फ़िलअप करना है। फ़िलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट डिलीवरी का स्टेटस पूछेगा कि आपको जो सर्टिफिकेट ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कहाँ पे डिलीवर करवाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट बताया कि ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वो डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर देना है। दोस्तों जैसे आप इसको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दोगे फिर नीचे जो है सेलेक्ट पेमेंट मोड ऑप्शन होगा, तो जो भी इनकी फ़ी है वो आपकी लगेगी, चाहे 100-200 रुपए जो भी लगती है, तो आपको फ़ी पेमेंट कर देना है, ऑनलाइन ही फ़ी पेमेंट करना है। इसके बाद दोस्तों फ़ी पेमेंट करने के बाद जो है आपको नीचे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद देखिए क्या ऑप्शन शो करेगा आपको। जैसे आप दोस्तों सबमिट करेंगे तो आपका एक स्टेटस जो है बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबमिट का मैंने कर दिया है, अभी पूरा डिटेल आप देख सकते हैं कि कितने किसके नाम से मैंने क्या क्या बनवाया है, सब चीज़ जो है हमने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है फीड कर दिया है। अब जो है इसको कंप्लीट हो चुका है, अब इसको कंप्लीटेड के बाद आप कंप्लीट का तो यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है इस प्रकार जो है आप ये पूरा जो चीज़ मैंने बताया इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलोअप करके जो भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, और जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप जिस एड्रेस पे दिए होंगे उस एड्रेस पे 10-15 दिन के अंदर पहुँच जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो इन सारे वीडियोस को देखना ना भूलें। इन सब वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम के साथ साथ हम गवर्नमेंट जॉब भी बताते हैं अपने चैनल में। तो इन सारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर नीचे आई ऊपर देखेंगे तो आप आई का ऑप्शन शो हो रहा है वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है शो कर रही होगी, तो उनको भी देखना ना भूलें। दोस्तों जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।